वाले वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने न्यू घर डीएचए फेस स्टेट में। हमने न्यू हाउस बनाया तो हम उधर जा रहे हैं, तो हम रास्ते में थे, हमने ब्लॉग घर से शुरू ही नहीं किया, तो हमने कहा चलो गाड़ी में बैठे वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो हम सुबह मौसम अच्छा था तो हमने कहा यार चलो चलते हैं। तो अब 12 बजे के पास देख लो मौसम की क्या सूरत हाल है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो ऋषि भाई चलें फिर। चलो चलो जा ही रहे हैं। और रस्ते में आ तो बच्चा पार्टी भी सारी हमारे साथ है। बच्चों कहाँ पे जा रहे हो? डीएचए। क्या करने? कहाँ पे जा रहे हो? क्या खेलने जा रहे हो? घर नहीं जा रहे अपने? घर भी जा रहे हो, खेलने भी जा रहे हैं आप? ये भी वो भी, इसने उसने भी इसकी रीसी करनी है। क्यों मेरे ऋषि भाई? जो उन्होंने कहना हम डीएचए पहुंच गए हैं। अब डीएचए एड में पहुंच गया, तो अब हम अंदर एंटर होंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको घर वगैरह का व्यू वगैरह दिखाएंगे। और अब हम हवा वो ठंडी चल रही है, थोड़ा सा ये देखिए खेत वगैरह ना यहाँ पे सारे, तो हवा वगैरह ठंडी हो गई है। अब तो ऋषि भाई की भी बाहर निकल रही है, वैसे पहले बाहर से निकल रही सेक काफी ज्यादा था। अपने नाना बू को भी यहाँ लेके जा रहे हैं डीएचए। हाँ जी नाना बू जी, वहाँ जाके मेरे लिए पान लेना है। हलो जी नाना ने पहले दसता जी पान लेना मेरे वास्ते। पान क्यों खाना जे? पानी पीना नी? क्यों पान क्यों खाना? लो भाई उन्होंने भी अपनी फरमाइश कर दी कि उन्होंने पान खाना है। उधर जाके करना ही पहले आते दस दो गाइस, वो ना थोड़ा सा काम है उधर, तो वो जाके उन्होंने चेक वगैरह करना है और थोड़ा सा सीन पार्ट देखना क्या हो रहा उधर, लगे हैं काम साम पड़े हैं। चले जाना है अपने उन्होंने नहीं कहा है बच्चों ने, क्या कि हमने अगले महीने तक अपने न्यू घर में चले जाना है और हम उधर जाके आपसे मुलाकात करते हैं। अबू जी मैंने किसी देना सी कल्ले कल्ले खा गए पान। अबू कहते बच्चों ने खाने वाला नहीं गा। अब अबू के मुंह च मैंने बुरा आ रहा है जी। आहो ये सारी अपनी जगह जी अपनी ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ ਵੀ ਵੇਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵੀਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਲੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗਾਇਸ ਜੀ ਹਮ ਡੀਐਚਏ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਐਂਟਰ ਮੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋ ਵੀ ਹਮ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਸ਼ੀ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇ? ਗਾੜੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ कुछ बन गए हैं, कुछ बनने वाले भी हैं, कुछ रेडी हो गए हैं थोड़े थोड़े। तो ये देखिए ये सामने हाउस है, ये देखिए घर वगैरह सारी रेडी हो गई हैं। तो अब हम अपने घर के बैठ जाते हैं, आपसे मिलेंगे कंटिन्यू घर। और ऋषि भाई से मुलाकात करें आप। हाँ जी गाइस आ गए हैं नए घर, तो अभी देखते हैं क्या काम हो गया और क्या रह गया बाकी। अभी काम चल रहा है तो अभी देखते हैं क्या रह गया और क्या होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ी सी पेमेंट वगैरह देनी थी तो पार्टी वगैरह ही थी, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट वगैरह हमें दे दें, तो उनको पेमेंट वगैरह देनी है साथ में और थोड़ा सा देख लेंगे ना क्या होने वाला रह गया। तो वैसे तो अलग हुक्म तो सारा कम्प्लीट है, लेकिन अब है थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ना छोटा छोटा काम रह गया, लेकिन बाकी शुक्र अल्लाह का हो गया टाइम से। हाँ जी चले फिर बाहर। चलो चलिए। चलो भाई गाइज अब हम निकलते हैं गाड़ी में बैठे, गर्मी बहुत लग रही थी, हमने एसी वगैरह लगाया था चुप करके। लो भाई हम बाहर निकला है, अब और देखते हैं कितना गिरा गया। हाँ जी ऋषि भैया आइयो यार, तेरा दिल ही नहीं कर रहा गड्डी चो निकलन का। आपको ऊपर वाले भी पोर्शन वगैरह दिखाएंगे सारे, ये देखिए ये एक पोर्शन है, ये देखिए ये पोर्शन बना है और एक उसके साथ पोर्शन बना है। ये सामने
बेड वगैरह लगेगा। और ये देखिए इधर से अलमारियाँ अटैच अलमारी वगैरह लगवाई है कमरे में, इसके साथ अटैच बाथ है। ये देखिए बाथ अभी ना मुकम्मल रेडी हो गए हैं चीज़ें वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हों के ऊपर टाइम लगता ज़्यादा। अब हम ये देखें साथ वाले कमरे में जाएंगे। ये देखें इधर से ये कमरे में जाएंगे, ये देखें एक कमरा ये बना है। ये देखें सीलिंग वगैरह हर कमरे में अटैच हुई है। ये देखें ये बालकोनी वगैरह इसके साथ भी अटैच बाथ है। ये देखें अटैच बाथ है यहाँ पे भी लगेगा। और ये देखिए हर बाथ के साथ अलमारी भी अटैच की हुई है। जैसे ये देखें उसके बाद ये देखिए बेड बनवाया कि जब बैठने बूटने के लिए भी चीज़ें वगैरह। ये देखिए यहाँ पे ना ये लगाई है ना बैट बूट भी सकते हैं बड़मी वगैरह। ये देखें यहाँ पे बालकोनी बनाई बैठ के स्कूल से जब कुर्सियाँ वगैरह लगा देंगे ना बच्चे वगैरह थोड़ा सा इधर उधर भी खेलेंगे। ये होगा कि बैड वगैरह जाएंगे ना थोड़ा सा डर वगैरह नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे भी अभी कुछ थोड़ा सा काम होना, कलर वगैरह यहाँ पे भी होना है। बेसमेंट में जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए बेसमेंट में कहाँ पर जा रहे हम, अब इन बच्चों का भी अपना अपना रूम बनाया है। आपका कमरा कहाँ पे है, ऊपर है। चलो हम नीचे चलते हैं और इनको अपना दिखाते हैं रूम वगैरह। ये देखिए ये मम्मा का है, मम्मा का। ये देखिए गाइस एक ये रूम बना है। ये देखिए इसके साथ भी अटैच अलमारी की है। और उसके बाद ये बाथ है, अटैच बाथ की है। ये देखिए ये अटैच बाथ है और इसके बाथ के साथ भी अलमारी अटैच है। ये देखिए हर बात के साथ ना बटवी अटैच बात की, हर बात के साथ ना अलमारी अटैच की ही है। ये देखिए ऐसी अलमारी वाइड भी बनी है कपड़ों के अंदर। और ये चलते हैं अब हम स्टोर में और आपको स्टोर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए ये ना पहले इस बच्चे का बना अरहम का बनवाया था, तो ये कहता है नहीं छोटा है मेरे अपने पसंद की अलमारी वगैरह बनवानी है। तो ये इसके साथ भी स्टोर के साथ भी अटैच अलमारियाँ की हैं। और ये देखिए और हर कमरे में सीलिंग करवाई है। चलो चलते हैं अब हम ऊपर और आपको नीचे बेसमेंट का भी दिखा दिया व्यू और सबसे ऊपर वाला भी व्यू दिखा दिया। अब दरमियान वाला व्यू रह गया, वो थोड़ा सा ना उधर बैठे हैं आपको बाद में भी दिखा।